तो जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो अब कोरोना वायरस के नाम पर ठगी की भी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई के वडाला इलाके की, जहां से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। खबर के मुताबिक वायरस से बचने के लिए कंपनी ने मास्क के ऑर्डर के नाम पर 3 से 4 लाख रुपए की वसूली की और ऑनलाइन के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने कथित नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक माया नगरी में एक निजी कंपनी चलाने वाली महिला को बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर मिला था। ऑर्डर मिलने के बाद महिला को ऑनलाइन मास्क के लिए इंडिया मार्ट नाम की वेबसाइट दिखाई दी, जिस पर मास्क बनाने की बात का उल्लेख किया गया था। उसे देखने के बाद महिला ने कंपनी के कर्ता धर्ताओं से बातचीत की और 14 लाख रुपए में करीब 1,60,000 मास्क खरीदने का सौदा तय हुआ। कथित महिला ने इस इंडिया मार्ट वेबसाइट के कहने पर एडवांस में करीब 4 लाख रुपए उनके खाते में जमा कर दिए, लेकिन कुछ दिनों में जब उसे मास्क नहीं मिला, उसकी डिलीवरी नहीं मिली, तो उसने कंपनी के कर्ता धर्ताओं से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी से संपर्क हो न सका और आखिरकार पीड़िता ने खुद को ठगे जाने का एहसास किया और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी अबरार मुस्ताक को दक्षिण मुंबई के जेजे मार्ग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी मुंबई का निवासी है और वेबसाइट के माध्यम से ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। यह उसकी एक प्रकार से मोडस ऑपरेंडी है जो पुलिस ने उजागर किया है। वडाला टीटी पुलिस स्टेशन की हदित जो फिरियादी है, उनका एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है। वो कामगारों के मजदूरों के जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो बाहर सप्लाई करते हैं। उन्होंने मास्क के बदल का जो एक उन्हें कुछ डिमांड होती, उन्हें वो चाहिए थे, प्रोक्योर करने थे, उसके अनुसंधान में उन्होंने इंडिया मार्ट वेबसाइट पे चेक किया। वहाँ पे उन्हें एक ऐड मिला, एक कंपनी भक्ति इंटरप्राइजेस जो कि ओडिशा में बेस्ड है, उसका उन्हें एक ऐड दिखा और इस ऐड के द्वारा उन्होंने उसमें जो दिया गया नंबर होता है, नंबर पे उन्होंने कॉल किया। उस नंबर पे कॉल करने पे जो आरोपी हैं उन्होंने बताया कि वो इस कंपनी के मालिक हैं और उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मास्क है वो है, तो उपलब्ध हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डील हुआ कि 1,60,000 मास्क वो फरियादी को सप्लाई करेंगे, जिसके एवज में 14,40,000 रुपये वो मास्क की कीमत थी। इस केस में आरोपी ने फरियादी से 4 लाख एडवांस पेमेंट लिया मोबाइल बैंकिंग के द्वारा, और जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स आरोपी फरियादी को भेजे, और जब ये पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं और जब एडवांस देने के बाद भी मास्क की डिलीवरी नहीं हुई, तो कंप्लेनेंट ने वडाला टीटी पुलिस स्टेशन आके CR नंबर 84/2020 सेक्शन 420 465 467 468 471 IPC रेड विद सेक्शन 66C(d) IT एक्ट के अंतर्गत उन्होंने ये गुना दाखिल किया। इसकी तपास वडाला टीटी पुलिस स्टेशन की टीम ने करते हुए ये पाया कि ये जो आरोपी हैं ये मुंबई के ही हैं और आरोपी जेजे पुलिस स्टेशन की हदीद मिले, वहाँ से उन्हें 14 तारीख को अरेस्ट किया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें 18 मार्च तक की पुलिस कस्टडी मिली है।